हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित। आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। आज से 5-7 साल पहले आपने देखा होगा, जब भी हम गाड़ी लेकर आते थे ना, तो उसमें मॉडिफाइड क्या कराते थे, मॉडिफिकेशन के नाम पर या एसेसरीज के नाम पर क्या लगवाते थे। हमने एक म्यूजिक सिस्टम लगवा लिया अगर गाड़ी में नहीं है, मैट डलवा लिए और शायद सीट कवर लगवा लिए और दैट्स इट, वो काम हमारा कंप्लीट हो गया। आज के टाइम पर क्या हो रहा है, हम गाड़ी लेते हैं, उसमें म्यूजिक सिस्टम आता है, टच स्क्रीन भी आती है, मैट भी डले होते हैं, सीट कवर भी लगे होते हैं, उसके साथ ना जाने और भी कितनी बला बला चीजें आती हैं, बट स्टिल हम गाड़ी को मॉडिफाई कराने के लिए निकल जाते हैं। पहले से ज्यादा गाड़ियां मॉडिफाई हो रही हैं और पहले जितना हम खर्चा करते थे ना, पहले जो सामान लगाते थे उससे ज्यादा ही आज के टाइम पर हम सामान लगा रहे हैं। ऑलरेडी कंपनी की तरफ से भी ज्यादा आ रहा है और हम भी उस पर ज्यादा खर्च रहे हैं, तो वो हम क्यों कर रहे हैं, उसमें हम अपना ही नुकसान कैसे कर रहे हैं और कहाँ से आ गया, मतलब ये सारी चीजें कहाँ से आ गई कि हम इतना ज्यादा जो है मॉडिफिकेशन हमारी जो है करवानी शुरू कर दी है। अब देखिए हुआ क्या है, जब से इंटरनेट का युग आ गया है और जब से 4G हम कह सकते हैं वो आ गया है, उसके बाद क्या है, हमारे पास रील्स बहुत ज़्यादा आ गई, शॉर्ट आ गई हैं, यूट्यूब वीडियोज़ आ गई हैं, तो वहाँ पर क्या है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मिलकर हमारा बेवकूफ़ बना रही हैं। बेवकूफ़ नहीं कह सकता हूँ, थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है ये टॉपिक, तो बेवकूफ़ तो नहीं कह सकता हूँ। हुआ क्या है, देखिए हम रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, उसमें गाने चलते हैं, ऊंचिया लंबिया गड्डियाँ, ठीक है, उसके बाद एक गाड़ी आती है जो हमें 10-15 सेकंड के लिए दिखती है, कोई ऐसे जंपिंग जपाक कर रही है, किसी में लाइट्स लगी हुई हैं, किसी में बड़ा बड़ा म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है, तो हमने 10-15-20 सेकंड के लिए देखा, गाना साथ में चला और वो एक माहौल बन गया, बहुत बढ़िया यार, गाड़ी तो मस्त लग रही थी। फिर हम एक यूट्यूब देख रहे हैं, वो चीज़ें जो हैं चल रही हैं, हम क्या देख रहे हैं, हमें पता है ना कि डेटा आज के टाइम पर इम्पोर्टेंट हो गया है। वो बोलते हैं कि आप क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे, किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, तो उस हिसाब से जो हमने रील्स देखी, जो हमने शॉर्ट्स देखी, उस हिसाब से फिर हमें लॉन्ग वीडियोस दिखानी शुरू कर दी, वो वाली वीडियो जहां पर क्रिएटर दिखा रहे हैं कि उन्होंने अपनी गाड़ी के साथ क्या क्या चीज़ें की हैं। किसी ने सनरूफ नहीं थी, सनरूफ कटवा कर लगवा दी है, कोई HID लगवा रहा है, कोई LED लाइट्स लगवा रहा है, किसी ने पूरी गाड़ी में मॉडिफिकेशन करा के अंदर लाइट्स लगवा दी हैं, कोई चौड़े टायर, कोई ऊंचे टायर, ठीक है, अलग अलग चीज़ें करा रहा है, किसी ने अपने 2-door जो जिसकी गाड़ी है उसने 4-door करा दी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो चल रही हैं। अब इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी गलती है, ये उनका कंटेंट है जो बनाते हैं, और जहाँ तक मैंने देखा ना, उसमें से कोई भी आपको ये नहीं बोलता है कि आप ये चीज़ ही करा लीजिए। लेकिन हुआ क्या, अब वो चीज़ें हमने देखी, वहाँ पर वो गाना बज रहा है, वो हमारे दिमाग में चला, अब हमने देख लिया हाँ यार ये तो हमारे लिए भी पॉसिबल है, क्योंकि यूट्यूबर हमारे जैसे ही तो हैं, वो लोग आम मतलब जो हमारी मार्केट है, कहीं कोई करोलबाग जा रहा है, कोई अपनी लोकल मार्केट में जा रहा है, वहाँ जाकर इन चीज़ों को मॉडिफाइड कराया जा रहा है और गाड़ी जो है दिखने में बहुत ही बढ़िया लग रही है, ठीक है, तो वो हमारे दिमाग में घुस गया। अब हम क्या मानते हैं कि कुछ भी है, डेटा हमारा कहीं भी चला जाए, हमें कोई भी ऐड दिखाई जाए गूगल के थ्रू या AI के थ्रू, कुछ भी हमें दिखाया जाए, हमारे ऊपर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमारे पास जो पैसा होगा, हमारे पास जो जरूरी होगा, हम वही चीज़ लगवाएंगे, उसके अलावा हम कुछ नहीं कराते हैं, ये हर कोई सोचता है कि हम समझदार हैं। लेकिन ये चीज़ भी इफेक्ट कैसे डालती है, जब हमारे पास बजट नहीं है उस चीज़ को कराने का, उस टाइम तो हमारा दिमाग बिल्कुल शांत है, क्योंकि अगर वो उछलेगा भी तो पैसा तो है नहीं ना, लेकिन जैसे ही पैसा आ जाता है ना, तो जो चीज़ें हमने अब तक देखी थी, जो चीज़ें हमें अच्छी लग रही थी, वो अचानक से किक इन करती हैं दिमाग में, और हमें ये लगता है यार चलो ये चीज़ ना करा लेते हैं, इस बार हमारा बजट है, थोड़ा करा के देख लेते हैं, बड़ा नहीं कराते, कुछ छोटा करा लेते हैं, कोई ऐसी एसेसरी ले लेते हैं, हमने देखा है कि यार हमारी गाड़ी ना ज़्यादा गंदी रहती है, चलो एक वैक्यूम क्लीनर ले लेते हैं, क्योंकि हमने देखा है कहीं पर, लेकिन वो वैक्यूम क्लीनर काम का है या नहीं है वो नहीं देखते। अब ये हमें मतलब बेवकूफ हमारा किस तरीके से बन रहा, हमारे पैसे एक्स्ट्रा कैसे लग रहे हैं। अब वो बड़े टायर वाली बात आ गई, हालांकि सब नहीं कराते हैं, लेकिन जो भी कराते हैं शायद वो आपको नहीं बताते, या अगर वो बताते हैं तो हम सुनना नहीं चाहते कि इसके बाद गाड़ी की हैंडलिंग जो है वो बदल जाती है, खराब हो जाती है, राइड क्वालिटी खराब हो जाती है, वाइब्रेशंस आ जाती हैं, गाड़ी की परफॉर्मेंस बेकार हो जाती है, वो चीज़ें हम सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो गलत चीज़ें हैं, हम वो चीज़ें करा लेते हैं या हमें पता नहीं होता, तो वहाँ पर हमने पैसे लगाए, जब हम खुद यूज करते हैं तब पता लगे यार ये तो मैंने ना गलत चीज़ करा ली, ये ठीक नहीं है, लाइट्स हमने जो है HID लगवा ली हैं, LED लगवा ली हैं, फिर हम बाहर निकलते हैं सामने वाले की आंखों में चुभती हैं, हमारी गाड़ी में अगर हमने ज़्यादा पावर के लगवा लिए तो गाड़ी की वायरिंग फूकने का डर रहता है, बहुत सी जगह पर तो चालान भी होता है अगर हमने स्ट्रोक लाइट से अलावा कुछ और लगवा लिया है,
तो वो चीजें हमें नहीं पता होती हैं, वहां पर हमारे पैसे बर्बाद होते हैं। सनरूफ भी बनवा लेते हैं अपनी गाड़ी में, यार आप सनरूफ वाली गाड़ी ले लो, गाड़ी को कटवाते हैं ठीक है, उसके बाद सनरूफ उसमें इंस्टॉल कराएंगे, बाहर से खर्चा उसमें भी उतना ही हो जाएगा, फिर वो लीक होनी शुरू हो जाती है या वहाँ पर रस्टिंग आ जाती है, गाड़ी की सेफ्टी जो वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। बहुत सारी चीजें हैं अंदर, हम बहुत सारे सामान जो वो कर लेते हैं। हमारी गाड़ी में अगर सीट आई हुई है, लेदरेट सीट है, उसके बावजूद भी हम उनके ऊपर कवर चढ़वा लेते हैं क्योंकि हमने देखा था हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, बाद में पता लगता है ये तो हमने गलत करा लिया। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान देनी है। सिर्फ हमने ऑनलाइन देख लिया, देखिए यूट्यूबर है या कोई भी है, अगर वो अपना कंटेंट बना रहे हैं वो उनका काम है, वहां से उनको पैसा मिलता है और वो दिखा रहे हैं कि हम ऐसा भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, हम भी कर सकते हैं, लेकिन क्या आपको उसकी ज़रूरत है? और वो कराने के बाद आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी कैसी नहीं रहेगी? हो सकता है, आज अपनी बात कर लेता हूँ, हो सकता है मैं आज इसमें बड़े टायर लगवा लूँ, मेरे को ये काफ़ी अच्छे लगें, मैं इनको चलाऊं, मुझे ऐसी दिक्कत ना लगे, लेकिन जब मैं एक महीना दो महीना तीन महीना चला रहा हूं तब मुझे पता लगे यार ये तो प्रॉब्लम होगी, उसके बाद मैं वीडियो भी डाल दूं यार मुझे ना इसमें ऐसी प्रॉब्लम हो गई और अब मैं इनको निकलवा रहा हूं, तो मैंने तो निकलवा लिए क्योंकि मैंने तो वीडियो डाली, मैंने पैसे कमा लिए, अब मैं उसको निकाल भी रहा हूं, मुझे ज़्यादा फर्क शायद ना पड़े, मेरा काम है मैं इससे कमा रहा हूं, इसी को दे रहा हूं, कोई बात नहीं। लेकिन मेरी अगर आपने पहली वीडियो देखी, बड़े टायर आपने डलवा लिए, अब आप तंग हो, तीन महीने बाद मैंने बताया कि नहीं ये ठीक नहीं है, तब आप क्या करोगे? हो गए ना पैसे बर्बाद। तो जो आपका काम है आप उसमें अच्छे होंगे, बढ़िया बात है, लेकिन जो आपका काम नहीं है, मॉडिफाइड कार सिर्फ देख के कि भाई उसने करा लिया है, उसने ये करा लिया है, चलिए मैं भी करा लेता हूँ, ऐसा मत कीजिए। अगर आपके दिमाग में कुछ आया है कि ठीक है यार इस बंदे ने ना ये कराया मुझे अच्छा लग रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा मार्केट में भी आपको सर्च कर लेना चाहिए। अगर किसी ने लगवा रखे हैं चार महीने पाँच महीने से वो उस चीज़ को यूज़ कर रहा है तो उससे पूछ लीजिए, ये फ़ायदेमंद है नहीं है, क्या आपको नुकसान हुआ, ठीक है नहीं है। और जो दुकानदार काम कर रहा है ना उससे तो प्लीज़ मत पूछिए, उनको तो अपनी चीज़ बेचनी है, वो कभी नहीं कहेंगे कि नहीं ये बेकार चीज़ें होती हैं। तो वो आपसे, आपको एक यूज़र से पूछना पड़ेगा जिसको दो तीन चार महीने हो गए हैं, तब आपको थोड़ा पता लगेगा। या अगर आपको कोई चीज़ पसंद आई है तो आप ऑनलाइन ही उसको भी सर्च कर लीजिए कि इसके नुकसान क्या हो सकते हैं, उनको भी आपको कंसीडर करना है। आपको हर चीज़ मिल जाती है आज के टाइम पर, सोशल मीडिया पर हर चीज़ मिलती है। तो यही चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैं ये करा लूँ मैं वो करा लूँ क्या नुकसान रहेगा, उन्होंने तो कराया है उसने तो कराया है, कोई भी गाड़ी लेता है जाके शॉप पर खड़ी कर देता है इसमें ये भी कर दो वो भी कर दो, तो बहुत गलत चीज़ हो जाती है, गाड़ी के परफॉर्मेंस भी डाउन, हमारे पैसे भी गए, वारंटी भी चली जाती है गाड़ी की, और लास्ट में क्या है फिर नुकसान में ही तो रहे, दुखी ही तो रहे। तो ये चीज़ें मुझे थोड़ी डिस्कस करनी थी, आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं इस बारे में बता सकते हैं, कुछ है आपको ऐड करना है आप कमेंट जरूर कीजिएगा इस बारे में क्या सोचते हैं इस चीज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय।